हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच डी गेमिंग वर्ल्ड। तो यार ये वाली जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इस गेम में हम बात करने वाले हैं इंडिया की ऐसी गेम जिसके 24 घंटे में ही प्री रजिस्ट्रेशन कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुके थे। जी हाँ गाइस, जब फौजी गेम का जो है प्री रजिस्ट्रेशन आया, जो कि अभी प्ले स्टोर पर है, तो ये फौजी गेम ने 24 आवर्स में, मतलब एक दिन के अंदर, अपने 1 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट किए, जो कि हाइएस्ट है गाइस इंडिया में। और एक गेमर होने के आते गाइस मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया। अब जिसे नहीं पता है यार फौजी गेम है क्या, तो ये पहले तो आप सोच लो कि कैसे आपको क्यों नहीं पता है। अगर आपको पता है गाइस, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स है इसका फुल फॉर्म। फौजी इसे हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि गाइस हमारे जो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं उसे हिंदी में कई लोग फौजी कहते हैं। और ये जो फौजी गेम है गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ये गेम को डेवलपर है गाइस, ये गेम के एनकोर गेम जिनकी मैं काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते रहता हूँ, इन्होंने ही डेवलप और पब्लिश दोनों करा है एनकोर गेम्स ने। और गाइस ये जो गेम का प्लेटफॉर्म होने वाला है ये एंड्रॉयड के लिए होगा और साथ ही साथ iOS के लिए भी होगा, iOS के लिए भी वर्क करेगा, आपको गाइस पता होगा। और अब बात करते हैं गाइस, ये रिलीज कब होने वाली थी। जब यार अक्षय कुमार ने अपनी अनाउंसमेंट की थी, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम को, जो कि उन्होंने की थी 4 सितंबर 2020 को, कि वो जो है लॉन्च करने वाले हैं गाइस फौजी गेम उनके, मतलब उनके नज़दीक में, उनके देख रेख में। तो यह ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो है अक्टूबर को आएगी, उसके बाद ऐसा कहा गया कि नहीं ये नवंबर को, फिर दिसंबर को, जो कि उन्होंने डेट कंफर्म नहीं करी थी कि कौन से डेट को आने वाली है। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने एक दो दिन पहले ही ये बताया है कि 26 जनवरी को 2021 में फौजी गेम जो है रिलीज़ होने वाली है, मतलब 26 जनवरी को हम ये खेल पाएंगे और 27 जनवरी तक तो कम से कम दो से तीन मिलियन बंदे तो ये गेम को खेल रहे होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाइस। और इंडिया में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। पहले तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फाइनली अब जाकर जनवरी में। और जिन्हें गेम की और एक खासियत नहीं पता उन्हें बता दूँ कि गाइस ये गेम की जो इनकम होने वाली है, समझो अगर ये गेम के 100 रुपीज़, जो कि नहीं है, नहीं होने वाली, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये एक मिनट में अगर ये गेम 100 रुपीज़ अर्न करती है, तो गाइस एक मिनट में नहीं, समझो इनकी जो अर्निंग है 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ जो है ये है भारत के ट्रस्ट, मतलब एक भारत के वीर ट्रस्ट में ये 20% ये जो है इनकम जाएगी। और उसी के साथ साथ प्री रजिस्ट्रेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कितने 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में, ठीक है। और जिन्हें एनकोर गेम्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं बता देता हूँ, एनकोर एक ऐसी कंपनी है जो कि मोबाइल्स के लिए इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट कंपनी है और मोबाइल्स के लिए गेम्स लाते रहती है, जो कि बैंगलोर में है और इंडिया में, बैंगलोर आपको पता ही होगा। और फौजी गेम यार एक बैटल रॉयल अरीना होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो है अपने फौजी जो कि इंडिया की आर्मी है उन्हें डेडिकेट करता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं। इसमें आपको कई तरह अलग अलग तरह के मैप देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको भी ये गेम पसंद आएगी और 26 जनवरी को आपको मेरे चैनल पर इसका गेम प्ले भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल लगभग गारंटी के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस को अल्टीमेट लेवल पर ले जाता है। तो गाइस आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, वेट फॉर फौजी।